मूवी स्टार्ट होती है, हम डिटेक्टिव को देखते हैं। वो अपने मेंटर इंस्पेक्टर का वेट कर रहा होता है। उसका नाम किवेस्की होता है। दोनों एक क्राइम सीन पर आते हैं। डिटेक्टिव का अपनी जॉब का फर्स्ट डे होता है। डिटेक्टिव जिस घर के सामने खड़ा था वही क्राइम प्लेस था। वो दोनों घर के अंदर आके देखते हैं, पूरे घर में डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। मरे हुए लोग नंगे पुंगे पड़े थे, मानो जैसे कोई पार्टी चल रही थी। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। 31 दिसंबर का दिन होता है। इस घर में न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। मैरिक इस पार्टी का होस्ट होता है और ये मैरिक का ही घर होता है। मैरिक ने एक कपल को भी इनवाइट किया हुआ था, एंजेलिका और डेनियल, जिन्हें देखकर लगता है कि उनके बीच बहुत प्यार है। इसके बाद इस पार्टी के कैमरामैन से मिलाया जाता है, जिसका नाम फ्लिप होता है। हमें एक और कपल को दिखाया जाता है, जोर्डन और जूलिया। न्यू ईयर की पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, पर मैंने आप लोगों को सिर्फ उन लोगों के नाम बताए हैं जो आगे मूवी में दिखने वाले हैं। इसके बाद हम एक और कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम ग्लोरिया होता है। एक्चुअली ये फ्लिप की मॉम होती है। फ्लिप वही कैमरामैन, पर उसको नहीं पता होता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ इस पार्टी में है। फ्लिप वॉशरूम जाता है, अपना कैमरा किचन में छोड़ देता है और वो कैमरा जूलिया देख लेती है। जूलिया उसमें फोटो चेक करती है, उसमें सिर्फ जूलिया की ही फोटो होती है। तभी फ्लिप वहाँ आ जाता है। जूलिया बोलती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। जूलिया और फ्लिप अब रूम में चले जाते हैं। मैरिक ने सभी के लिए पिज्जा ऑर्डर किए थे और पिज्जा बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैरिक सभी पिज्जा लेकर घर के अंदर चला जाता है और पिज्जा बॉय को बोलता है, रुको मैं पेमेंट लेकर आता हूँ। एक रूम में ग्लोरिया दो लड़कों के साथ ड्रग्स और फन कर रही होती है। दूसरी तरफ फ्लिप जूलिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जूलिया को वहाँ गन मिलती है। फ्लिप बोलता है, ये लोडेड है, इसे रख दो जूलिया। तभी इन दोनों के बीच रोमांस चालू हो जाता है और गन जूलिया के हाथ में ही होती है। मैरिक भी वहाँ से गुजर रहा होता है तो रूम में देखने आ जाता है, पर तभी एक्साइटमेंट में जूलिया गोली चला देती है और वो सीधे मैरिक के सर में जा लगती है। हर पिज्जा बॉय को उसकी कंपनी से बार बार फोन आ रहा होता है, वो बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है। फ्लिप मैरिक की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है, वो पूछती है ये क्या हो रहा है। फ्लिप बोलता है, ये तो एक गेम चल रहा है। फ्लिप मैरिक की डेड बॉडी को रूम में ले आता है। जूलिया बोलती है, मुझे नहीं पता था फ्लिप तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। फ्लिप बोलता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मौज करना चाहता था, जो मैंने कर ली, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर जूलिया बहुत रोती है। तभी उन्हें वहाँ किसी की आने की आहट सुनाई देती है। दोनों बेड के नीचे छिप जाते हैं। उस रूम में दो लड़कियां एक लड़के को लेकर आती हैं मजा करने के लिए। तभी एक लड़की के हाथ वो गन लग जाती है। जूलिया और फ्लिप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जूलिया तो निकल जाती है पर फ्लिप नहीं, फंस जाता है। वो लड़की फ्लिप को गन दिखाती है और बस अब दोनों लड़कियां फ्लिप के साथ मजे करने लगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिज्जा बॉय घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा था। फ्लिप उन लड़कियों से पीछा छुड़ा कर आता है। सामने उसे एक और लड़की मिलती है, पर तभी वो दोनों लड़की बाहर आ जाती हैं। इसीलिए वो उसे एक रूम में लेकर जाता है। फ्लिप उसके साथ जबरदस्ती करता है, इसीलिए वो उसका मुंह बंद कर देता है, पर उस लड़की को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो भी वहाँ मर जाती है। पिज्जा बॉय सबसे पूछते पूछते उस रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ मैरिक की डेड बॉडी होती है। मैरिक के पॉकेट में पैसे होते हैं। पिज्जा बॉय सिर्फ उतने ही पैसे लेता है जितने की उसे जरूरत होती है। वो पैसे खून से भरे हुए होते हैं। वो दो गर्ल्स फिर से एक लड़के को अपना शिकार बनाती है मजे करने के लिए। दूसरी तरफ फ्लिप विंडो के रास्ते दूसरे रूम में जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर आए। वो जिस रूम में पहुंचता है वहां उसकी मॉम होती है, वो किसी और के साथ मजे कर रही होती है। उधर जूलिया अपने बॉयफ्रेंड जोर्डन के पास जाती है और उसे सब बताती है। बोलती है, मैंने बहुत गलत किया है और मैं गंदी हो चुकी हूँ, इसलिए वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है और खुद भी वहीं बैठ जाती है। उधर पार्टी के बीचों बीच डेनियल एंजेलिका को प्रपोज करता है, पर वो उसे मना करके एक रूम में जाके लॉक हो जाती है। ग्लोरिया के पास उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे किसी और के साथ मजे करता देख उसे बहुत डांटता है। तभी फ्लिप भी वहां पहुंच जाता है। फ्लिप अपनी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो दो दो लोगों के साथ मजे कर रही थी। अब फ्लिप
और ग्लोरिया के बॉयफ्रेंड दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वहां जॉर्डन भी आ जाता है और वो भी मारना चालू कर देता है। दूसरी तरफ पीछा बॉय को देखते हैं जो पैसे धोने की कोशिश कर रहा होता है। उसे एक हॉस्पिटल से कॉल आता है, वो कॉल उसकी मॉम की डेथ का था। ये सुनकर पिज़्ज़ा बॉय टूट जाता है और वो बोलता है, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। पिज़्ज़ा बॉय वहीं अपने आप को फैन से हैंग कर लेता है और मर जाता है। वो तीनों लोग लड़ते लड़ते पार्टी के पीछे आ जाते हैं। मैरिक का एक फ्रेंड मैरिक को ढूंढते ढूंढते उस रूम तक पहुंच जाता है जहां मैरिक की डेड बॉडी थी। एक्चुअली मैरिक गे होता है और ये मैरिक का बॉयफ्रेंड था। उधर जूलिया जो कपड़े धो रही थी, वॉशिंग मशीन का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पूरे घर में फैलने लगता है। जूलिया वॉशिंग मशीन के ऊपर जाकर बैठ जाती है। उधर पार्टी के बीच मैरिक का बॉयफ्रेंड आ जाता है और बोलता है, बोलो किसने मारा है मैरिक को। तभी वहां वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं जिसके एक के हाथ में गन होती है। गन देखकर वो उसमें एक बैट मारता है और उसे वहीं मार देता है। दूसरी तरफ जो एंजेलिका रूम में लॉक हो गई थी, उसे बाहर निकालने के लिए डैनियल रूम का डोर ही तोड़ देता है। डैनियल एंजेलिका के पास जाकर जोरदार खपाखप चालू करता है। उधर मैरिक का बॉयफ्रेंड पागल हो चुका था। और अब घड़ी में बजते हैं 12। टीवी में हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। अब इसके बाद मैरिक का बॉयफ्रेंड उस लड़की को सर पे बिठाता है और लोगों को मारना चालू कर देता है। और जिन लोगों को अपनी दुश्मनी निकालनी होती है वो वहां लोगों के साथ दुश्मनी निकालना चालू कर देते हैं। मैरिक का बॉयफ्रेंड उस लड़की को टीवी के ऊपर दे मारता है और टीवी नीचे गिर जाता है। और अब पानी भी पूरे घर में फैल चुका था। टीवी से करंट पूरे घर में फैल जाता है और सभी लोगों को अब करंट लग जाता है। बाहर हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है और यहाँ इतने सारे लोग एक साथ मर रहे होते हैं। उधर जूलिया तो वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठी थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ डैनियल और एंजेलिका तो अपने खपागप में लगे हुए थे। इसके बाद लाइट कट हो जाती है। जूलिया बाहर आती है और सभी लोगों को मरा हुआ कर बहुत रोती है। अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वहां गन भी पड़ी होती है और वो उसे उठा लेती है। जूलिया बहुत डरी हुई थी, तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। जूलिया बिना पीछे देखे गोली चला देती है और वो होते हैं एंजेलिका और डैनियल। एक ही गोली से दोनों मारे जाते हैं। जूलिया वहां से भागती है, दूसरे रूम का दरवाजा खोलती है और वहां पिज्जा बॉय को लटका हुआ देखकर होश उड़ जाते हैं। और तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो जमीन पे गिरती है, उसकी गर्दन टूटती है और वो मर जाती है। अब इस घर में कोई नहीं बचता, सब के सब लोग मारे जाते हैं। अब सीन आता है डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर पर। इंस्पेक्टर डिटेक्टिव को बोलता है, तुम्हारे पहले दिन के लिए ये केस बहुत अच्छा था, तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता। मूवी के लास्ट सीन में हमें डैनियल और एंजेलिका की शादी दिखाई जाती है। शादी हेवन में हो रही होती है और यहाँ वो सभी लोग दिखाए जाते हैं जो हैप्पी न्यू ईयर की रात मर गए थे। तब ये लोग मरने के बाद भी मजे कर रहे होते हैं, वाओ। इसी के साथ मूवियाँ एंड होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।